हेलो दोस्तों, जनवरी दे मंथ दा लास्ट चल रहा है। हुण असी गर्मियां वालियां जो सब्जियां है उसकी तैयारी करनी स्टार्ट करांगे इस लास्ट हफ्ते तो, क्योंकि हुण टैंपरेचर मॉर्निंग दा टैंपरेचर 20-15 होने लग पिया ते रात दा 12-14। हुण टैंपरेचर बहुत वधिया है कि असी गर्मी वालियां सब्जियां नूं हुण ही लगा दईए। ये देखो तुसी, ये लास्ट मेरी गोभी है। इस तो बाद ये पट के सारी जगह की गुडाई होगी। गुडाई करने तो बाद गर्मी वाली सब्जियां लगाई जाएगियां। सब तो पहला असी जो अगर तो साढ़े को जमीन है तो उसकी गुडाई करो, नहीं तो अगर तुसी पोट या ग्रोइंग बैग के सब्जियां लगाते हो तो तुसी उसकी मिट्टी नू ग्रोइंग बैग विचों काढ के उस दे विच वर्मी कंपोज खाद मिला के उसनू धुप्प विच सुका लो। 8-10 दिन धुप्प लगाओ। धुप्प लगा तो बाद फिर उस दे विच तुसी ग्रोइंग बैग दे विच मिट्टी पा दो। धुप्प दे नाल उसकी उपजाऊ शक्ति वधेगी। दोस्तों तुसी जानते हो कि हर एक बीज नू पुंगरन दे लई एक निश्चित तापमान की जरूरत पैंदी है, जिमें कि 15 या 20 डिग्री तो उपर तापमान होगा तो ही थोड़ा बीज उगेगा। अगर ज़्यादा ठंड के बीज लगा दोगे तो उस दे नाल वो बीज इस तरह ही मिट्टी विच पिया रहेगा, ना ही उस दे विच कोई पुंगार आएगा तो बीज गल के खराब हो जाएगा थोड़ा। इसलिए टैंपरेचर सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंदा है जो भी तुसी कोई भी बीज लगाते हो या तुसी कोई भी फसल लगाते हो। दोस्तों हुण असीं गर्मियां दे विच बेल वालियां सब्जियां लगावांगे, जिवें कि राम तोरी, भिंडी, घिया ते हाँ जी मिर्चां भी लगावांगे। इस तरह दीआं सब्जियां, मेथी दी सब्जी है ना, जो मेथी पालक भी हो जांदी है गर्मियां दे विच, मेथी नहीं हुंदी गर्मियां दे विच। ठीक है दोस्तों, ये गल्लां दा तुसीं खास ख्याल रखो। मिट्टी की तैयारी करनी हुण ही स्टार्ट कर दो। अगर तुसीं जनवरी के लास्ट हफ्ते दे विच मिट्टी तैयार करनी स्टार्ट करूँगे तो थोड़ा फरवरी के 10-12 तरीक तक तुसी अपनी सब्जियां लगानियां स्टार्ट कर दोगे। ये तुसी देख सकते हो, ये जो पुरानियां बेल सगियां घिया दियां ये मैं अज ही पट दित्तियां हन। हुण इसकी सफाई करके इस जगह नू गुड के इत्थे नवीआं घिया दियां बेलां, आराम तोरियां दियां बेलां लगाऊंगा। नाल ही दोस्तों अगर फरवरी आने तो पहला पहला थोड़े प्लांट इस तरह सुक गए हैं, इसनों सुकियां दी तुसी देखो कि ये अच्छी इस दे तने नू इस तरह नाखून दे नै दे नाल खरोच के देखो कि हरा है जा सुक गया है। हरा है जी, ते जे अगर हरा है तो इसकी प्रूनिंग कर दो। इस तरह इसनों कट दो। कट्टन दे नाल इस दे विच नवी ग्रोथ आएगी, नवा पुंगार आ जाएगा। ये देखो ये प्लांट धुंद दे नाल इसका यह हाल हो गया सी ठंड के कारण, ये तुसी देख सकते हो इस तरह का हो गया सी। हुण 5-10 दिन तक इस दे विच फुटार आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सब्जियां लगाने दे लई तुसी अज ही मिट्टी तैयार कर लो। जिवें कि ये प्लांट है इसकी भी मैं कटिंग करूँगा, हले 2 दिन रुक के करूँगा। ठीक है दोस्तों, तुसी मिट्टी तैयार करने दे उस दे विच कुछ भी काउ डंग जां वर्मी कंपोज कुछ भी पा के उसनू 10-12 दिन दे लई छड़ दो। ये तैयारी पहले ही करनी पैंदी है तो ही थोड़ियां सब्जियां वधिया होवेगियां ते उस दे विचों हारवेस्टिंग वधिया करूंगे तुसी। ठीक है दोस्तों, हुण तुहानू मैं मिलूंगा जिस दिन मैं सब्जियां लगाऊंगा नवीआं नवीआं, उसकी वीडियो थोड़े नाल शेयर करूंगा। अजे तक तुसी मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसनू सबसक्राइब कर लो, तो वीडियो इनफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो नू वध तो वध शेयर करो। थैंक यू।